मैं कप्पू का भाई चप्पू, मैंने कुकिंग क्लास खोली है, जिसने एडमिशन लेना ले सकता है। बाद में क्लास फुल हो गई फिर मैं किसी को एडमिशन नहीं दूंगा। अरे मेरा बेबी, मेरा चोनू, माय चानू, माय स्वीटहार्ट, क्या कर रहे हो मेरा बच्चा? हाँ बेबी, मैं कोई कुकिंग क्लासेस में आई हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या ये ठोको कुकिंग क्लासेस है? नहीं, हम 5-5 रुपए लेके ना लोगों को ये बताते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मुझे कटप्पा और बाहुबली से क्या लेना देना, मेरी शादी होने वाली है। वाह, उधर बाहुबली की जान चलेगी और तुम्हें शादी की पड़ी है? डायरेक्टर राजा मौली को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पर? देखिए, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, खाना बनाना सीखने आई हूँ। तो ये बताओ, खाना कितनी देर में आप सिखा दोगे बनाना? 30 मिनट में। 30 मिनट? हाँ। बोर्ड देख लो, आंखें फाड़ के 15 मिनट लिखा है। अरे जेंट्स को तो हम 2 मिनट में भी सिखा देते हैं। लेडीज का क्या ना, लेडीज दिमाग बड़ा खाती है। लेडीज इतना दिमाग खाती, मेरे को समझ में नहीं आता। एक तो लेडी आई मेरे पास, मेरे को थी आलू में कोई और डिजाइन दिखाइए, बताओ ये कोई बात हुई? एक लेडी मेरे पास आई है, कहती सारे टमाटर लाल रंग के, नीले में कोई टमाटर दिखाओ। देखो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई, ओके? तुम लड़कियां किसी की सुनती कहाँ हो, अपना तो रोना भी दूसरों को चला रही। सुन रहा है तू? रो रही हूँ मैं। वाह, पर हमारी बात भी नहीं सुनोगी। देखिए, या तो आप अपना इलाज करवाइए या फिर आगरा शिफ्ट हो जाइए। तुम मेरे लिए ताजमहल बनाने चाहती हो? नो डार्लिंग, मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही वहां पर एक पागल खाना बना हुआ है। तो पहले से बना हुआ तो ठंडा हो गया होगा, ताजा बनवाओ कुछ। ओके, मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आई हूं। अरे क्या बात कर रही है, सोनी से अच्छी जगह कोई है नहीं, आप कमाल कर रही हैं आप। आप बताइए क्या सीख रहे हैं? हमारे पास 2 पैकेज है, एक 5,000 वाला, एक 10,000 वाला। रियली? दोनों में क्या फर्क है? 5,000 में जैसे हम भरता जो है ना, तो हम ऐसी बना देते हैं। लेकिन अगर आप हमें 10,000 देंगी तो हम पूरा प्रॉपर तरीके से भरता बनाएंगे। नहीं नहीं, वो 10,000 वाला चलेगा। ये रहो तुम्हारी फीस, 10,000। 10,000 रुपए। अच्छा, आपकी शादी हो रही है ना? यस। वो बताइए, शादी में कितने दूल्हे आ रहे हैं? शादी में दूल्हा एक ही है, बिकॉज इट्स अ शादी, स्वयंवर नहीं है। ओके, तो घोड़े कितने आएंगे? अरे दूल्हा एक है तो घोड़ा एक ही होगा। एक दूल्हा एक घोड़ा, तो ऐसे पता कैसे चलेगा दूल्हा कौन है घोड़ा कौन? ये बताओ फिर, लड़के के कितने बाप आ रहे हैं? अरे लड़के का एक ही बाप है। ओके, और माँ? माँ भी एक ही है। वेरी पुअर फैमिली। तो बराती कितने आएंगे? 400-500 बराती। इतने तो बाहुबली में नहीं आए थे। वाह, 400-500 बराती। देखो, खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी है प्रार्थना करना। आओ प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हम आलू की सब्जी बनाना जा रहे हैं, गलती से अगर कहीं मैं आलू का कीड़ा काट दूं तो उसको जीरा समझ के माफ कर देना। कीड़े वाला खाना मुझे नहीं सीखना, मैं जा रही हूं। एक मिनट, किधर जा रही हो? ओके, तुम्हें सिखाना है ना, सिखाओ चुपचाप। कुछ ऐसा सिखाओ जिसे खिला के मेरे सास ससुर खुश हो जाए। सास ससुर को तो फिर दादा दादी बनाओ, फिर तभी खुश होंगे। रहने दो, भटूरे बनाना सिखाओ। तो मैं आपको जीजा भटूरा बनाना सिखाता हूँ। What is जीजा भटूरा? अरे बहुत आसान है, जैसे आटे में इतना सारा घी लेके उसमें ऐसे ऐसे डाल के उसको साइड पे रख दो। ओके, सामने जानबूझ के चावल बनाने शुरू करो। तो आटा आएगा गुस्से में, गुस्से में इसका मुंह जीजे की तरह फूल जाएगा, उसके बाद जीजा भटूरा तैयार। समझ गए, मुझे ये जीजा भटूरा नहीं बनाना है, आलू की सब्जी बनाना सिखाओ। आलू? आलू तो पहले ही सब्जी होता है। अच्छा, वैसे वाली सब्जी, आलू वाली सब्जी क्यों सीखनी आपको? मेरे होने वाले हस्बैंड को ना आलू बहुत पसंद है। तो आलू पसंद है तो आपसे शादी क्यों कर रहे फिर? खाने में पसंद। अच्छा, है खाने में। जो आदमी अपनी मनपसंद चीज को खा जाता है वो आदमी ठीक नहीं है। कल बात तुम्हें खा गया तो? एक्सक्यूज मी, आप पागल वागल तो नहीं हो? हैं? ना, थोड़ा दीवाना हूँ। थोड़ा परवाना। देखो, अब मैं तुम्हें आलू की सब्जी सिखाता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, पर आलू की सब्जी कैसे बनाएं? 2 ही आलू हैं, इसको 2 से 3 करते हैं। 2 से 3 कैसे करेंगे? इनकी शादी कराते हैं। आलू की शादी होएगी, सोचो इनके छोटे छोटे आलू होंगे, बड़े होकर उनके पराठे बनेंगे, वाह मजा आ जाएगा। हो सकता है उन्हीं में से कोई एक आलू का पराठा प्रधानमंत्री खाए, फिर वो देश का पराठा बन जाएगा। तो पागल
तुम एक समाज सेवक को पागल बन रही हो, यू फूल। चलो आलू की सब्जी बनाते हैं। अच्छा बताओ इस सब्जी में और क्या डलता है? जैसे आलू में हम लोग प्याज डाल सकते, पर मैं प्याज काटता नहीं। क्यों? बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं काटता हूँ मेरे को रोना आ जाता है, इसलिए मैं अंडा खा लेता हूँ। वाह 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 वाह, प्याज काटने में तकलीफ होती है, अंडा खाने में कोई तकलीफ नहीं होती, अंडे में तो जान होती है। अंडे में प्रोटीन होती है आपको पता, पर मैं कोई खुशी से नहीं खाता हूँ, वो तो मुर्गी आके मेरे को दे जाती है, उसका घर परिवार चलना चाहिए बेचारी का, मैं खा लेता हूँ। अरे मुर्गी कहाँ अंडे बेचने जाती है? शी इज अ वर्किंग। क्या काम करती है तुम्हारी मुर्गी? यही काम करती है, अंडे देने का ही, और क्या। देखो अब ना आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। देखो गुस्से के लिए मेरे पास एक बड़ा मजेदार पराठा है, सिद्धू पराठा। सिद्धू पराठा? इसको खाते ही हंसी निकल जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आटा आटा गूंद के चूल्हा ऊपर लगाना पड़ता है, फिर आटा गूंद के ऐसे ठोको, ऐसे ठोको, तो सिद्धू पराठा तैयार, बहुत अच्छा बनता है। हेलो बेबी, मेरा बाबू, मेरा चोना, मेरा क्यूटी पाई, मेरा नान खताई, मेरा बेबी। हाय शोना। अच्छा मेरे बाबू ने खाना खाया? अच्छे से खाया ना? फ्री होके फोन करती हूँ जानू, मेरा बच्चा। सुनो। यस। तुम्हारे जानू तोतला है? नहीं, मैं ना प्यार से उससे इस तरह बात करती हूँ। ऐसे प्यार से मतलब तोतले हो जाते हैं? हाँ, जब तुम्हें प्यार हो जाएगा ना, तुम भी तोतले बन जाओगे, ओके? जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा आपसे हो रहा है, मैं तो तोतला हुआ नहीं। मतलब शर्म, लिहाज, हया सब बेच के खा गए हो? अरे मेरी शादी होने वाली है। तुम किसी और की हो जाओगी। प्लीज इस वक्त मुझे खाना बनाना सिखाओ। क्या सीखना है बताओ? बंद गोभी की सब्जी। बंद गोभी नहीं हम सिखाते। क्यों? कोई फायदा नहीं उसका, इसको खोलते जाओ खोलते जाओ, अंदर कुछ नहीं निकलता, मैं बता रहा हूँ। बंद गोभी। भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी ऐसे बनाते हैं, जैसे भिंडी को पहले लो, yes. आंखें बंद करके ऐसे इसको लाइट बंद करके धो लो, फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल दो। आंखें बंद करके लाइट बंद करके कपड़ा, क्यों? ये सवाल आप पूछ रही हैं? Yes. She's lady यार, she's lady finger. Lady होगी ऐसी बात करती हैं आप? आपको कुछ ना प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है। सब्जियों में मेल फीमेल कब से होने लगा? क्या बात कर रही हैं आप, हमारी सब्जियां, हमारे ये आलू है ना, ये तो अभी इससे पहले दुपट्टा लेके चलते हैं। अरे ये दुपट्टा लेकर चले, अरे इसे छोड़ो, तुम दुपट्टा लेकर चलो, फॉरगेट दुपट्टा, तुम कटप्पा लेकर चलो, कुछ भी करो, लेकिन आगे क्या करना है वो तो बोलो। इतने प्यार से क्यों बात कर रही हो तुम? देखो ऐसे भिंडी को लो और कद्दू के साथ बनाते हैं। ये भिंडी एंड कद्दू, ये कौन सी सब्जी है? अरे कद्दू का फेर चल रहा है उसके साथ, अच्छी बनेगी। शादी भी करवाओगे? हाँ तो करवाएंगे, अपनी शादी तुम करवा सकती हो, कद्दू की शादी नहीं बेचारा, क्या एक मोटे कद्दू को किसी से प्यार करने का कोई हक नहीं है? प्यार करने का हक है, प्यार ही क्यों, हनीमून मनाने का हक है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, भेजो इसे हनीमून, भेजो। देखो ये शरीफ ठेले की सब्जियां ऐसे नहीं आ जाएंगी, आराम से उनके फेरे होने दो, चलो चलो इन पे मसाला डालते हैं, वो बन जाएगी। एक काम करो, जब तक सब्जी पक रही है ये लो तेल, मेरे इधर मसाज कर दो शोल्डर। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं दिमाग ठीक है, शोल्डर में थोड़ा पेन है, इधर कर दो। अरे मैं तुम्हारा शोल्डर क्यों मसाज करूं? Come on baby, you can do it. Come on, come on, अंजलि, come on, अंजलि, अंजलि, अंजलि। हो गया, मेरा नाम अंजलि नहीं है तो पतंजलि है। क्या फिर? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। Just shut up. मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाओगी, अभी मेरा सब्जी बना के सिखाने का मूड आया और तुम जा रही हो? ठीक है, फॉरगेट वेज, नॉन वेज में कुछ पकाना सिखाओ। मुर्गा कैसे बनता है? मुर्गा ऐसे। कढ़ाई में मैं थोड़ी आ सकता हूँ, पागल हो आप? अच्छा एक काम करते हैं, मुर्गा मतलब चिकन कैसे बनता है? चिकन हम बनाते नहीं है वैसे, पर मैं आपको अफगानी मुर्गा बता देता हूँ। अफगानी मुर्गा? हाँ जी। अभी तो कहा चिकन नहीं बनाते? ये अफगानी है ना चिकन, इसको उधर सजा हुई है, ये चिकन ने किसी चिकनी को छेड़ दिया था तो अभी इसको सजा हुई है, तो इसको बना सकते हैं। आपको पता है ये मुर्गा पागल है, मेरे को पता क्या कहता, मेरे को बना के खाने के बाद बताना मैं कैसा लगा टेस्ट में। क्या ये भी आपकी तरह पागल है? नहीं ये दोनों अनपढ़ है,
ये इसकी वाइफ है, ये पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, इसीलिए हिंदी में अंडे देते हैं। अच्छा तो इंग्लिश में अंडे कैसे होते हैं? इंग्लिश में मतलब प्रक एग। इतना भी नहीं पता कैसे गवार से शादी कर रहा है तुम्हारा पति, मना कर दो उसको। एक्सक्यूज मी, खबरदार एक और फालतू कमेंट पास की तो, एक तो खाना पकाना आता नहीं है, ऊपर से इतनी लंबी बातें। क्या बात कर रही हो, चलो आज मैं जलेबी बनाना सिखाता हूँ। ये देखो जलेबी लेंगे, इसमें मैदा डालेंगे पहले। कितना गंदा दुपट्टा है, इससे जलेबी बनाओगे? दूर रखो, मुझे ऐसे देखकर ही चक्कर आ रहे। अरे तो चक्कर आएंगे तो गोल गोल जलेबी बनेगी ना, ये तो सीधी नहीं बन जाएगी जलेबी। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। रुको, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी होने वाली सब्जी का कुक बनने वाला हूँ और तुम मुझे इस हालत में छोड़ के जा रही हो। अच्छा बोलो ना बेबी क्या सीख रहे हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल मी बेबी, मुझे बेबी बोलने का हक सिर्फ मेरे राजकुमार का है, और राजकुमार के लिए मैं शाही पनीर बनाना सीखना चाहती हूँ। प्लीज टीच मी शाही पनीर कैसे बनता है। शाही, अच्छा शाही वो जो पैन में डलती है। पनीर वो जो छोटा छोटा गोल गोल हरा हरा होता है, वही ना? छोटा छोटा गोल गोल हरा हरा ना मटर होता है। तो टमाटर क्या होता है फिर? टमाटर लाल होता है। टमाटर लाल होता है तो फिर गोलगप्पा उसको कहते हैं। अरे गोलगप्पा फुला हुआ होता है। फुली हुई तो पूरी होती है। अरे पूरी तो छोटी होती है। छोटी तो मेरी बहन है, उसके हाथ पीले करने मैंने। मेरे को याद आ गई उसकी। अरे उसके हाथ बाद में पीले करना, पहले तुम्हारा ना मुंह में लाल कर दूंगी। बकवास कर रहे हो, चलो जल्दी से मुझे शाही पनीर बनाना सिखाओ। ठीक है, सबसे पहले पनीर लेते हैं। ये केला है। केले को थोड़ी पता हम पनीर बना रहे हैं। ऐसे चुप रहो। इसके सबसे पहले हम कपड़े उतारते हैं, इसको लगेगा हम इसको नहाने लगे हैं। हम चुपके से काट के इसका पनीर बना देंगे। ओ मम्मी का फोन। हेलो मम्मी जी, लहंगा पसंद कर लिया? अच्छा कितने का? 25,000 का लहंगा। नहीं बात कर रहा हूं। अरे अरे 25,000 का लहंगा लेने क्या जरूरत है, लड़का मान तो क्या ही है। 200 वाला ले दो कोई। हां कपड़े वपड़े क्या करने आंटी, आपकी इकलौती बेटी है, 2 शादियां कराओ इसकी। 2 दूल्हे दिलाओ, जो पसंद आएगा रख लेंगे कि नहीं। बकवास बंद करो। ओ मेरे बेबी को कॉल, मेरे बेबी। हेलो बेबी, मैं चूनू, मैं बाबू, मेरा बच्चा। आप अब्बू क्या घूर रहे हो, बात करनी है कर लो। ओए मेरे बेबी मेरा बच्चा, चल निकम्मे तू, अपनी वाइफ को महंगा वाला लहंगा नहीं दिला सकता। मेरी तरफ से ना है, गेट आउट फ्रॉम। अरे मना कर रहा हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। मैं क्यों करूँ तुमसे शादी? अच्छा तो तुम्हें सिद्धू जी में इंटरेस्ट है, मेरे को पहले से शक था। नहीं नहीं, नहीं मुझे सिद्धू जी पसंद नहीं है। अच्छा जिनको सारी पार्टियां पसंद करती, तुम्हें वही पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है, मैंने ऐसे कब कहा? अच्छा तो मेरा शक सही निकला फिर। बस बस हो गया, अब तुम्हारी बकवास में और नहीं सुन सकती। कहाँ गए चाकू? सुनो 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 मेरी बात सुनो। नहीं आज तुम नहीं बचोगे। देखो तुम लड़की हो कैसे भागती, अच्छी लगती हो। देखो तुम्हारी शादी कब है, मैं तुम्हारी शादी में जरूर जरूर आऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।